हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर लव एंड डिजायर। एंड मैं हुरिया। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप बहुत ज़्यादा परफेक्टली अपने लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी मेरे तरह है जो कि जिनको लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करने में थोड़ी सी परेशानी अभी भी होती है, तो उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि मोस्टली हम फुल मेकअप करने के बाद ही लिपस्टिक को अप्लाई करते हैं या फिर लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करते हैं। ऊपर से लिक्विड लिपस्टिक बहुत ज़्यादा स्टिकी एंड लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, इसलिए अगर वो थोड़ी सी गलती से मतलब इधर उधर हो जाए तो पूरी मेकअप ख़राब दिखने के चांसेस होते हैं। इसलिए लिपस्टिक को बहुत ज़्यादा परफेक्टली अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आज मैं इस वीडियो में वही आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सो बातें ना बढ़ाते हुए चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि हम मेकअप अप्लाई करने से पहले अपने फेस को बहुत अच्छे से प्राइमर एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई करके प्रेप कर लेते हैं, मेकअप के लिए रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने लिप्स को भी बहुत अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपनी लिप्स पर जो लिपस्टिक या फिर लिप बम अप्लाई करके रखा था, उसे एक वाइप इस तरीके की वेट वाइप्स की हेल्प से क्लीन कर लिया है। और मैंने यहाँ पे जॉनसन बेबी की वेट वाइप्स यूज़ किए हैं। आप अपने पसंद की कोई भी वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं या फिर मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर लिप्स में पहले से ही लिपस्टिक अप्लाई किया हुआ है और उसके ऊपर मैं फिर से अगर लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी तो लिप्स बहुत ज़्यादा क्रैकी दिखेगा एंड लिप्स की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी एंड पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम्स होती है लिप्स में बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत जल्दी जल्दी डार्क हो जाएगी लिप्स। तो इसलिए लिप्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एक्सफोलिएशन और लिप्स को एक्सफोलिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पतंजलि दंत कांति पेस्ट। और आप अपने पसंद की कोई भी पेस्ट ट्राई कर सकते हैं इस स्टेप को फॉलो करने के लिए। अगर आपको मैं अब मैट दिख रही हूँ तो, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करता है, एक बार जरूर ट्राई करके देखना। और इसे इस तरीके से अप्लाई करने के बाद 5 मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूँगी। और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप 2 या 3 मिनट के बाद भी इसे रिमूव कर सकते हैं। आप इसे डायरेक्टली वॉश कर सकते हैं प्लेन वाटर से, बट मैं यहाँ पर एक सेम वेट वाइप्स की हेल्प से रिमूव कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मेरी लिप्स एक्सफोलिएट हो गई है और बहुत अच्छे से एक नेचुरली फ्लफी बेबी लिप्स काइंड ऑफ लिप्स दिख रही है, बहुत ही अच्छे से नेचुरली पिंक दिख रही है। ये रेडी है बिल्कुल लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए, बट उससे पहले मैं अप्लाई कर लूँगी थोड़ी सी लिप बम यहाँ पे। ये सारे जो स्टेप्स है बिल्कुल मेकअप से पहले ही फॉलो करनी है और इसके बाद मेकअप अप्लाई कर लेनी है। तो इसके बाद मैंने अपनी मेकअप अप्लाई कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी लिप बम जो अप्लाई कर रखा था उसे रिमूव कर लिया है। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लिप्स अच्छे से रेडी हो गई लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए। ऐसा बात है लिपस्टिक पे, और लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है अगर आपको परफेक्टली लिपस्टिक अप्लाई करना है, अगर आप चाहते हो कि लिपस्टिक इधर उधर ना हो। इसलिए तो सबसे पहले मैंने अप्लाई कर लिया यहाँ पे कंसीलर, और इससे आप अपनी लिप्स की जो शेप है उसे ओरिजिनल शेप को भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर अपने लिप्स को थोड़ी सी स्मॉल या फिर थोड़ी सी बिगर भी दिखा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी एक लाइनर की हेल्प से लिप को लाइन कर लिया है। और इससे क्या होगा, आउटलाइन को बॉर्डर करने से आपकी लिपस्टिक जो आप अप्लाई करोगे तो वो बाहर नहीं जाएगी। तो कुछ इस तरीके से लिप लाइनर की हेल्प से मैंने लिप की जो आउटर लाइन है उसे बॉर्डर कर लिया है। और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सूज ब्यूटी की लिप लाइनर, और इस लिप लाइनर की हेल्प से ही मैंने अपनी लिप्स को थोड़ी सी फिल भी कर लिया है। इससे लिपस्टिक जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। एंड आप देख सकते हैं मुझे जो परफेक्ट शेप मेरी चाहिए लिप्स में वो बिल्कुल आपको दिख रही होगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और स्टेप्स बढ़ा लिया है, बट अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पूरा लिपस्टिक अप्लाई कर लिया। आप अपने पसंद कोई भी लिप कलर इस स्टेप को फॉलो करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट एक थोड़ी सी अलग कलर मतलब देने के लिए। तो इस तरीके से मैंने एक पिंक शेड को अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया लिक्विड लिपस्टिक, और ये है शुगर की स्मजमिन और लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 01 ब्रेजन रेजन। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया लिपस्टिक। पहले मैंने अपनी लोअर लिप्स पे इस तरीके से लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया एंड अपर लिप्स पे इस तरीके से मिडिल लाइन को ड्रॉ करते हुए दोनों साइड में अप्लाई किया है। इससे लिपस्टिक बहुत अच्छे से अप्लाई होती है एंड बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती है। दैट्स ऑल गाइस, आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से अपनी लिपस्टिक को अप्लाई कर ली बिल्कुल परफेक्टली, और बिल्कुल भी लिपस्टिक इधर उधर नहीं गई क्योंकि मैंने पहले ही बॉर्डर लाइन कर लिया था। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।